सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 4G और 5G नेटवर्क के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो 4G और 5G लेकर काफ़ी कन्फ्यूज हैं। दोस्तों मैं आपसे आज इसी वीडियो में बात करूँगा जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दोस्तों दूर हो जाए। और दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी कंपनियाँ हैं जो अपने नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करती जा रही हैं 5G नेटवर्क के साथ। दोस्तों मैं आपसे आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या फिर आपको 4G लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 5G फ़ोन है वो 4G के मुकाबले दोस्तों थोड़ा महंगा आ रहा है। वहीं दोस्तों 4G देखा जाए तो 5G के मुताबिक दोस्तों वो थोड़ा सस्ता आ रहा है। तो दोस्तों क्या आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और क्या आपको 5G के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसों को या आपको 4G में ही रहना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे दोस्तों आपकी कन्फ्यूजन वो दूर हो जाए। बट दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें जिससे मैं जब भी वीडियो पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी कंपनियाँ हैं जो 5G नेटवर्क के साथ अपने नए नए फ़ोन लॉन्च करती जा रही हैं। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी 5G जो नेटवर्क है वो इंडिया के अंदर आए नहीं है। तो अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हो जो दोस्तों 5G फ़ोन हो, तो आप उससे पहले दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह सोच लें कि आपको उस फ़ोन में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप 5G के समझ कर उस फ़ोन को ले रहे हो तो आपका वो फ़ोन लेना बेकार है। क्योंकि दोस्तों अब जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में आए नहीं है, और अगर दोस्तों कुछ महीने में आ भी गया तो उसको दोस्तों पूरे इंडिया में फैलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब 4G नेटवर्क इंडिया के अंदर आए थे, जब जियो की सिम 4G हो 4G नेटवर्क जियो के वो इंडिया के अंदर आए थे, तो दोस्तों वो हमें काफ़ी टाइम तक फ्री में नेटवर्क हमें देखने को मिले थे। तो दोस्तों हमें काफ़ी टाइम तक जियो का जो नेट है वो कई महीने तक हमें फ्री में चलाने को मिला था। तो दोस्तों इस वजह से 4G नेटवर्क दोस्तों काफ़ी जल्दी इंडिया में फैल चुका था। बट दोस्तों 5G नेटवर्क का दोस्तों ऐसा कोई इशू नहीं है। जे दोस्तों आ भी जाएगा तो जे आपको अपने पैसों से परचेस करना पड़ेगा, और दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है वो 4G के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जिसमें दोस्तों 5G नेटवर्क हो, तो दोस्तों आप उस फ़ोन को तभी लें जब जे 5G नेटवर्क इंडिया में 4G की तरह पूरे इंडिया में फैल चुका हो। तभी दोस्तों 5G का फ़ायदा है। अगर आप अभी से 5G फ़ोन ले लोगे तो आपको वो फ़ोन सिर्फ 4G पर चलाना है। 5G नेटवर्क दोस्तों इंडिया में आने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे पूरे इंडिया में डेवलप होने में। तो दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हो तो दोस्तों आप 4G फ़ोन ही लें, जिससे दोस्तों आपको पैसे ही बच जाएंगे और आपका जो नेट है दोस्तों उसका जो रिचार्ज है दोस्तों वो काफ़ी कम होता है 5G के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों अभी ये भी पता नहीं है कि 5G नेट दोस्तों इंडिया में आएगा तो उसकी प्राइस क्या होने वाली है, उसका दोस्तों रिचार्ज प्लान वो क्या होंगे। क्योंकि दोस्तों 5G नेट जब आएंगे तो आपको पता है कि पूरे इंडिया में दोस्तों जब उसका नेटवर्क है पूरे इंडिया में फैलेगा तो उसमें दोस्तों काफ़ी टाइम लगने वाला है। और दोस्तों जब तक जब नेटवर्क फैलेगा तब तक दोस्तों आपका जो फ़ोन है जो आप अभी लेने वाले हो वो दोस्तों काफ़ी पुराना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको 5G नेटवर्क में इंटरेस्ट है तो आप 5G फ़ोन दोस्तों तभी लें जब 5G नेटवर्क दोस्तों पूरे इंडिया में अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका हो। उससे पहले दोस्तों आप 4G में ही अपना नेट चलाएँ, 4G फ़ोन यूज करें। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो आप 5G चक्कर बना पड़े, आप 4G फ़ोन लें। और दोस्तों 4G जो नेटवर्क है दोस्तों आपको पता है कि कई कंपनियों के साथ हमें इंडिया में मिल रहे हैं, तो 5G चक्कर दोस्तों अभी ना पड़ें। अगर 5G को फ़ोन लेना आप चाहते ही हो तो दोस्तों आप तभी लें जब नेटवर्क दोस्तों पूरे इंडिया में अच्छी तरीके से वर्क करने लगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन है वो अच्छी तरीके से दूर हो चुका होगा कि आपको 4G लेना चाहिए या फिर दोस्तों 5G लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।